हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लास का। यू कैन सी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, और ये एडवांस्ड स्ट्रक्चर मैं बता रहा था आपको कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एडवांस्ड है, बट यूजेस बहुत ज्यादा है। और मैंने बिल्कुल डिटेल में, जैसा आपको स्ट्रक्चर से पता चल गया होगा, कि फील लाइक को सिंपली लोग फील लाइक तक ही इस्तेमाल करते हैं, बट आज मैं आपको उसके डिफरेंट टेंसेज भी बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और जितने सारे टेंसेज हैं, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए डियर, शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। तो डियर, इसके पहले मैंने 19 स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के वीडियो, जिसमें बेसिक और एडवांस दोनों सम्मिलित है, इसका मैंने अपलोड किया है। तो देखिए डियर, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो फील लाइक फ्रेज है, आखिर इसका इस्तेमाल हम करते कब है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब सिंपली कि फील लाइक मन करता है। ठीक है, मन करता ही नहीं, हिंदी, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय दिस इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसका क्या मतलब होगा। लाइक फील लाइक कैन मीन वॉन्ट और वुड लाइक। इट मीन्स फील लाइक का मतलब वही मीनिंग होता है जो आप वॉन्ट से देना चाहते हैं। अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, इट मीन्स आई फील लाइक रीडिंग इंग्लिश या स्टडिंग इंग्लिश। सिंपली यही मतलब है। बट यहाँ पे चूंकि हिंदी में इसका मतलब आ जाता है, अगर आप कहीं डिक्शनरी वगैरह में ढूंढेंगे एक फ्रेज का, तो इसका मतलब होता है मन करना। हिंदी इसकी क्या हो जाती है, मन करना। फील लाइक कैन मीन वॉन्ट और वुड लाइक। आफ्टर फील लाइक यू कैन यूज अ नाउन और एन आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज कॉल्ड जेरंड। या तो आप इसके साथ नाउन इस्तेमाल कीजिए, वर्ब अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि या तो आप वर्ब के आईएनजी का फॉर्म यूज कीजिए या नाउन कर सकते हैं इस्तेमाल। और अगर दूसरी मतलब की बात करूं, तो इसका मतलब है हैव अ डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए डिजायर होना, इच्छा रखना, और टू डू समथिंग या किसी चीज को करने की इच्छा रखना। ठीक है, फील लाइक का हिंदी में भी मैंने लिखा है डियर, चूंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कहता है कि सर हिंदी भी चलना चाहिए साथ साथ, सो डेट थोड़ा समझने में हमें आसानी हो। तो डियर, अगर फील लाइक की बात करें, तो जब आप ये कहें कि हमारा मन करता है या कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप फीलिंग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्या आई एम फीलिंग लाइक, चूंकि यही सेम मीनिंग आप फील लाइक से देते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि फील एक स्टेटिव वर्ब है, तो हम उसका इस्तेमाल आईएनजी में नहीं करते। सो आप फील लाइक को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करने की कोशिश ना करें। रीजन, ये फील लाइक आपको दोनों मीनिंग देता है, ये इंडेफिनिट मतलब सिंपल भी मीनिंग देता है और ये कॉन्टिन्यूअस मीनिंग भी आपको देता है। तो देखें डियर, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं कि सब्जेक्ट के बाद या तो आपको फील लाइक लिखना है या फील्स लाइक लिखना है, उसके बाद नाउन आएगा या जेरेंड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि अगर इसको हम नेगेटिव फॉर्म बनाएं, तो आप सभी जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, देन उसके बाद नॉट आता है। अब इन दोनों के आने के बाद इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रीफर करते हैं, डैट इज फील लाइक। अब रीजन भी बता दूं कि देखिए, यहाँ पे एस का काम कर रहा था अलग वर्ब, यहाँ हमने एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में एस पहले ही फील कर दिया है, डैट इज वाई यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, फील लाइक का। फिर नाउन और जेरेंड एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ देख लें कि किसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आई वी यू दे या कोई भी अगर प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए डियर, तो उसके साथ हम फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे। इट मीन सिंपली कहें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और अगर हम बात करें ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ फील्स लाइक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसी का डेराइव्ड फॉर्म होता है, इसी का ये डेराइव्ड फॉर्म है। अगर जिसको हम एक जनरल भाषा में अपनी जो बेसिक इंग्लिश है उसमें हम वर्ब की V5 फॉर्म बोलते हैं, कुछ लोग इसको नहीं भी मानते, तो चलिए मानने और ना मानने का बात अलग है, ये डेराइव आपका इसी से हुआ। इसका यूज हम एक्चुअली प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और इसका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते जरा एग्जाम्पल्स पे कि किस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। आज मेरा मन तैरने का कर रहा है, तो ऐसा नहीं हम कि आई एम फीलिंग लाइक, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आई फील लाइक स्विमिंग टूडे, आई फील लाइक स्विमिंग टूडे। जब भी मेरा मन करता है मैं अपने दोस्त को टेलीफोन करता हूं या टेलीफोन कर लेता हूं, तो आई टेलीफोन, चूंकि हम ट्रांसलेशन कैसे करते थोड़ा सा बता दूं, चूंकि मैंने इसके पहले भी एक ट्रिक वाले वीडियो बनाए थे कि
कि जब हम ट्रांसलेशन करने की बात करते हैं, अगर दो सेंटेंस लिखा है रियर, यहाँ पे कॉमा लगा दें, तो हम लास्ट वाले को पहले करते हैं, और लास्ट वाले की बात करें तो आई सब्जेक्ट है, और जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमें पीछे से उसके हिंदी के इंग्लिश करते चलते आना है, ठीक है। तो टेलीफोन करना को हमने टेलीफोन लिखा है, या आप कॉल अप भी लिख सकते हैं, आप सिंपली फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई टेलीफोन माय फ्रेंड व्हेन एवर आई फील लाइक टॉकिंग, जब कभी भी मुझे बात करने का मन होता है। उसका मन आपसे बात करने का कर रहा है, शी फील्स, सॉरी यहाँ पे डियर ये नहीं होगा, शी फील्स लाइक टॉकिंग टू यू, शी फील्स लाइक टॉकिंग टू यू। उसका मन पढ़ने का नहीं करता है या नहीं कर रहा है, बोथ हिंदी सेंटेंसेस, शी डज नॉट फील लाइक स्टडिंग, शी डज नॉट फील लाइक स्टडिंग। एक और दिक्कत जो यहाँ पे एस लग गया था डियर, कभी भी आप लाइक में एस मत लगाइएगा, जब भी लगेगा तो किसमें लगेगा आपका, लाइक सॉरी फील के साथ ही लगेगा, कभी उसके साथ आप गलती ना करें, कि जैसे यहाँ पे गलती हो गया था कि लाइक के साथ भी लग गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। चलिए यहाँ से हट गया, तो शी फील्स लाइक टॉकिंग टू यू। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स समझ, सॉरी चार एग्जाम्पल्स थे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डियर नेगेटिव की, नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव की, इंट्रो नेगेटिव की और डब्ल्यूएच वर्ड की, कि किस तरीके से बनाएंगे। क्या उसका मन मुझसे मिलने का नहीं कर रहा है, नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या उसका मन मुझसे मिलने का नहीं कर रहा है। डजंट शी फील लाइक मीटिंग मी, डजंट शी फील लाइक मीटिंग मी। अब मैंने यहाँ पे शॉर्टर फॉर्मेट का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि हम जो स्पोकन इंग्लिश होता है वहां पे जनरली हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म ऑफ जो भी अपने तरफ से बोले, एक्चुअली इन इंग्लिश वी नॉर्मली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरा मन अंग्रेजी बोलने का नहीं करता है, इट मीन्स नाउ सपोज ये सेंटेंस आप कब बोलेंगे डियर, कि जब ऐसे इन्वायरमेंट में हो कि मुझे भी आता अंग्रेजी बोलना और सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे एक्चुअली ये परमिजा एक बिग बॉस की बात कर लें, तो वहां पे कहते हैं हिंदी में बातें करो, हिंदी में बात करो, सब लोग इंग्लिश में बात करते, और एक जो इंसान है वो अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके रख रहा है, यार नहीं बोलता हूँ। अब जब वो इरिटेट होता है तो बोलता है वहां पे, यार क्या मेरा मन अंग्रेजी बोलने का नहीं करता, यू ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड डू आई नॉट फील लाइक, डोंट आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मेरा मन अंग्रेजी बोलने का नहीं करता। तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो डू आई नोट एक नॉर्मल वे में, अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डोंट आई फील लाइक, डोंट आई फील लाइक, और आगे एज इट इज चल जाएगा। आपका मन क्या करने का करता है, ये क्वेश्चन हम किसी से पूछते हैं, आपका मन क्या करने का करता है, लाइक आजकल जो स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं, मम्मी पापा पूछते हैं यार क्या करने का मन कर रहा है बता दे तू, ठीक है। अब इस केस में What do you feel like तक भी सही है, What do you feel like मतलब आपको कैसा लगता है, ये नहीं आप क्या करना चाहते हैं, shorter format, और अगर आप चाहें तो पूरा इसमें लिख दीजिए कि What do you feel like doing, What do you feel like doing, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डियर, हमने इसको पास्ट टेंस में लिखने की कोशिश की है कि अगर हमें पास्ट टेंस में बताना हो तो हम क्या करेंगे, तो डियर हम इस्तेमाल करेंगे felt like का, क्योंकि feel का V2 form felt होता है, तो हम felt like, और जब डियर वी टू फॉर्म हो जाए तो यहाँ पे आप सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ फ्री है, कि जितने तरह के सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ आप वी टू फॉर्म का इस्तेमाल कर दीजिए। तो चलिए इसके नेगेटिव बना के देखते हैं डियर, नेगेटिव बनाने में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही डिड नॉट लिखेंगे डियर, ये जो फेल्ड था वी टू था वो वी वन में चेंज हो जाता है, रीजन की वी टू का काम आपका ये डिड यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट है डिड हमने पहले लगाया इंटरोगेटिव के लिए, इसकी हिंदी नॉर्मल क्या से शुरुआत होती है, और नेक्स्ट है डिंट, इसको डिंट ही कहते हैं चूंकि ये डी वाला साइलेंट होता है, तो ऐसा नहीं डिडंट, दैट इज नॉट डिडंट, दैट इज डिंट, प्लस सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस नॉन और जेरेड। मुझे देर होने पर उसे डांटने का मन नहीं हुआ, मतलब जब वो देर हो गई, एक्चुअली मुझे देर होने पर उसे डांटने का मन नहीं हुआ, एक्चुअली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब उसे देर हो गया ना तो मुझे डांटने का मन नहीं किया, इट मीन्स आई डिंट फील लाइक स्कोल्डिंग हर फॉर बीइंग लेट, ठीक है। ये इसी के लिए बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट के लिए, कि जब मुझे मैं लेट हो गया तो मैं उसको नहीं डांटा, एक्चुअली अटपटा सा सेंटेंस है, क्योंकि उसे लेट होना चाहिए था जब मैं उसको डांटता। कल उसे यहां आने का मन किया था, शी फेल्ट लाइक कमिंग हेयर स्टडे, शी फेल्ट लाइक कमिंग हेयर स्टडे। क्या आपको उससे बात करने का मन था या मन किया था,
डिड यू फील लाइक टॉकिंग टू हर, डिड यू फील लाइक टॉकिंग टू हर, इट मीन्स क्या आपके अंदर इमोशन जगा था कि उससे आप बात करें। आई होप डियर ये सारी चीजें फील लाइक को इतने डिटेल में जो मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड इन केस आपकी कोई लाइक प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज उसको कमेंट के थ्रू रखने की जरूर कोशिश करें, जितना मैक्सिमम हो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट के थ्रू जरूर करें। और मैंने संडे कमेंट बॉक्स भी बनाना स्टार्ट किया, तो आई होप कि आपके क्वेश्चन वहां पे जरूर लिए जाएंगे। तो डियर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। एंड जाते जाते आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।